हेलो दोस्तों, चाय पानी चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चिकन का हेल्दी रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है चिकन स्टू। ये कलकत्ता का एक बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये छोटे से बड़े सब लोग खा सकते हो, क्योंकि बहुत ही हेल्दी है। कभी भी बीमार हो तो आप ये चिकन का रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा और बनाना बहुत ही ईजी है। और इसको बनाने में ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम सामानों से बन जाता है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी को पहले देख लेते हैं। तो पहले मैं गैस में कुकर चला दिया हूँ। कुकर में पूरा मैं जो रेसिपी है करूँगी, और उसमें मैं दे दूँगी 2 टेबल स्पून बटर। बटर में करो तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और 1 चम्मच मैं दे दूँगी कुकिंग ऑयल, इससे क्या होगा बटर जल नहीं जाएगा। अभी बटर को पहले मेल्ट कर लूँगी, उसके बाद इसमें दे दूँगी दालचीनी 1 टुकड़ा, 3 4 दे दूँगी लवंग और 1 दे दूँगी इलायची। अभी इनको मैं 1 मिनट मीडियम आंच में फ्राई कर लूँगी। अभी इसमें मैं दे दूँगी 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन। लहसुन आप ज़्यादा दीजिएगा, खाने में टेस्टी लगेगा। और 1 चम्मच दे दूँगी कटा हुआ जिंजर, बहुत ही पतले पतले करके काट लिया हो। अभी इन तीनों को मैं 1 मिनट मीडियम आंच में फ्राई करूँगी, जब तक इनसे एक चश्मिल नहीं आए तब तक। अभी इसमें दे दूँगी मैं कटा हुआ गाजर। गाजर को मैं थोड़ा सा बड़े साइज में काट लिया हूँ। और कटा हुआ दे दूँगी बीन्स। बीन्स को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके काट लिया हूँ। और दे दूँगी थोड़ा सा कैप्सिकम। कैप्सिकम को भी मैं थोड़ा सा बड़े करके काटा हूँ। अभी सभी सब्जी को 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे मैं फ्राई करूँगी। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। मैं दे दूंगी 1 टीस्पून लवण और दे दूंगी 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर। अभी मैं इसको 2 से 4 मिनट सब्जी एवं चिकन को मीडियम आंच में फ्राई करूंगी। अभी इसमें मैं दे दूँगी 1 मीडियम साइज टमाटो, जिसको भी मैं छोटे छोटे करके काट लिया हूँ, वो भी दे के मैं और 1 मिनट फ्राई करूँगी सबको। अभी इसमें मैं दे दूँगी 3 कप पानी। पानी देके कुकर का ढक्कन लगा के 5 सीटी मैं दे दूँगी। 5 सीटी देने के बाद देखिए गाजर चिकन भी एकदम से अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो मेरा जो चिकन स्टू एकदम रेडी है। ये गरम रहने से आप खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू।